कप। फिर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, ताकि कस्टर्ड बना के रख दें तो वो ठंडा हो जाए। जैसे ही ये बॉईल हो रहा होगा ना, तो इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। ये रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर मेरे पास वेनिला फ्लेवर का, और ये है कस्टर्ड पाउडर मेरे पास 2 टेबलस्पून। ये हम थोड़े से और ठंडे दूध में भिगा लेते हैं, ठीक है। और ये जैसे ही इसमें उबाल आएगा, मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी और उसको कुक करूंगी जब तक ये गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बन चुका है, जो कि मैंने ठंडा करने दे दिया है। और उसी पैन में मैंने मज़ीद 1 लीटर ही दूध डाला है, पूरा 1 डब्बा, ठीक है। और इसमें गई है 1/4 कप चीनी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1/2 कप, गुड क्वालिटी, और इसमें मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क 1/2 कप, क्रीम, और हमने इसमें अब डालना है वेनिला एसेंस। क्वार्टर टीस्पून विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, ताकि क्रीम वगैरह हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपको बाकर खानी लेनी है, कोई भी अच्छी बेकरी से आप ले लीजिए 1/2 किलो। अब इसके ऊपर ये पूरा गरम गरम दूध जा रहा है। ये 12 लोगों के लिए काफ़ी है ये मीठा बनने के बाद। दस मिनट उसको छोड़ा तो क्या हुआ, ये देखें बाकिर खानी ने पूरा हमारा दूध सोक कर लिया, पूरी सोक हो गई है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर नारियल का बुरादा डाला 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते, बाकी भी मैंने रखे हुए हैं ऊपर से डालने के लिए। अब इसके ऊपर जा रहा है ये कस्टर्ड। ठीक है, 1 लेयर पूरी हमारी चली गई कस्टर्ड की। फिर दोबारा से इसके ऊपर नारियल, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 उमाली बेक्ड कस्टर्ड अज्जा, बाकर खानिया चूरा 12 अदद, भीगे किशमिश 2 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस 3 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 3 खाने के चमचे, खुश खोपरा 3 खाने के चमचे। मिल्क मिक्सचर के लिए दूध 1 किलो, चीनी 1/4 कप, कंडेंस मिल्क 1/2 कप, खुश्क दूध 3/4 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे। कस्टर्ड लेयर के लिए दूध 2.5 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 2 कतरे, बटर स्कॉच एसेंस 2 कतरे। Add some masala to your life.